हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली सदर बाजार, कुछ काम आ गया था तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग ही बना लिया जाए। और काम ये है कि मेरे घर में होने वाली है, मेरे बहन के यहाँ शादी है, तो मुझे कुछ शादी के कार्ड लेने जाना है। कुछ मैंने सुना वहाँ पे अच्छे कार्ड मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे दाम में, जो कि अगर आप अपने शहर में या मतलब दिल्ली से बाहर कहीं भी कार्ड लोगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट अगर आप इसी कार्ड को सदर बाजार दिल्ली से लेते हो तो वो सस्ता पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना चला जाए, देखा जाए, अगर हमारे बजट में होगा और सब कुछ ठीक होगा तो ले लिया जाएगा कुछ शादी के कार्ड, क्योंकि शादी भी पास में ही आ रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और देखते हैं सदर बाजार में कितनी भीड़ होती है और क्या होता है। आज सैटरडे वीकेंड है तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज लाइट भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ सीढ़ियों से उतरना पड़ रहा है। हर ब्लॉक की शुरुआत यहीं से होती है। हमारे सोसाइटी के साइड का मार्केट है जहाँ हमें ऑटो पकड़ना है। फिलहाल हम उस जगह पे पहुँच रहे हैं, यहाँ से सीधे मेट्रो जाएंगे और वहाँ से फिर अपने स्टेशन सदर बाजार के लिए। तो मेट्रो पहुंच गए, हमें भूख लगी थी तो हम यहाँ आ गए पराठा खाने के लिए। हमने खाए पराठे, उसके बाद आ गए वापस स्टेशन। हमारी मेट्रो आ गई और हम आगे बढ़ गए। फाइनली हम मेट्रो स्टेशन के बाहर आ गए। चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन जो पड़ता है वो सदर बाजार के बीच में ही पड़ता है। तो हम बाहर आ गए, काफ़ी भीड़ यहाँ पे दिख रही थी। अभी सुबह का टाइम था तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिखी, लेकिन फिर भी भीड़ हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो हम आगे बढ़ गए दुकानों को देखते हुए। यहाँ पे बहुत सारी टाइप की दुकानें हैं, आप टूटी वगैरह भी ले सकते हैं और कार्ड्स की भी बहुत सारी दुकानें आगे हमको मिली यहाँ पे। और हालांकि कार्ड हम आपको वीडियो नहीं दिखा पाए क्योंकि वहाँ अलाउ ही नहीं था वीडियो बनाना, लेकिन हमने कार्ड खरीद भी लिया और उसको लेकर आना भी काफ़ी भारी पड़ा क्योंकि 500 कार्ड लेना था। और यहाँ पे हमने देखा एक करतब दिखा रही है लड़की, तो ये लोग भी ऐसे घूमते रहते हैं और अपना कमाते हैं। उसके बाद हम आ गए दही भल्ला के शॉप पे और यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी अच्छे और फेमस दही भल्ला थे। यहाँ पे लोग की भीड़ लगी हुई थी, फिर हमने भी ऑर्डर कर दिया एक प्लेट दही भल्ला जो काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद वापस हम आ गए मेट्रो स्टेशन। वापस जाने के लिए पहुँच गए हम मेट्रो के बाहर। यहाँ पे हमने देखा एक शॉप थी जो मोबाइल की होती है, कैसी भाई, तो वहाँ पे हमने एक मोबाइल बेचने का ट्राई किया बट वो था नहीं। उसके बाद हम सारा सामान और कार्ड लेकर वापस अपने रूम की ओर चल पड़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ऐसे ही ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।